वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला बताऊंगी, क्या होता है ये बताऊंगी, और उसको किस तरह से हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं ये बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, और अभी मैं आपको बता रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में भी आप लोग जानना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप उस लिंक पे जाके उसको क्लिक करके आप मेरी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वीडियो जो है उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारे पास होता क्या है, पहले मैं आपको ये बताऊँगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऐसा टेंस होता है कि जिसमें हम लोग इसी किसी ऐसे काम की बात कर रहे होते हैं जो हम लोगों ने परफॉर्म कर लिया होता है। ठीक है, हम लोगों ने उसको परफॉर्म कर लिया होता है, लेकिन वो प्रेजेंट में भी कंसिडर किया जाता है। जैसे कि इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपने अभी 5 मिनट पहले खाना खाया है। ठीक है, आपने पेट भर के खाना खाया 5 मिनट पहले, और आपको कोई दोबारा से कहे कि आप खाना खाओ, ठीक है, तो आप उसको क्या कहोगे कि मैंने खाना खा लिया है, अब मैं नहीं खा सकता, मैंने खाना खा लिया है, या मैंने 5 मिनट पहले खाना खाया था, अब मैंने नहीं खाना। ठीक है, तो ये सिचुएशन कि मैंने खाना खा लिया है, यानी कि ये जो काम है वो हो चुका है और प्रेजेंट में भी कंसिडर हो रहा है, क्योंकि आपका पेट अभी भी भरा हुआ है। ठीक है, और अब आप कुछ नहीं खा सकते। ठीक है, तो काम आपने किया था इसको पास्ट में, ठीक है, क्योंकि काम तो आपने कर लिया। ठीक है, खाना आपने खा लिया 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, लेकिन पेट आपका अभी भी भरा हुआ है। तो ये हमारे पास सिचुएशन, ऐसा काम जो हम लोगों ने कर लिया हो और वो प्रेजेंट में भी कंसिडर किया जाए, तो वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, जैसे कि आप दिन में एक ही दफ़ा आप दिन में एक ही दफ़ा स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई दोबारा से कहे कि आप स्कूल जाओ, तो आप कहेंगे कि मैं स्कूल जा चुका हूँ, या मैं स्कूल चला गया था, अब मैंने नहीं जाना। ठीक है, तो ये सिचुएशन कि मैं स्कूल जा चुका हूँ और मैं खाना खा चुका हूँ, मैं टीचर को सुन चुका हूँ, या मैं सो चुका हूँ, इस तरह से कोई भी जो हमारे पास सिचुएशन आती है, ऐसा कोई काम आता है, तो ये हमारे पास होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो इसकी अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। इसमें उन्होंने यही कहा है कि कोई भी ऐसा काम जो स्टार्ट हो पास्ट में और कंटिन्यू हो वो प्रेजेंट में। ठीक है, फॉर समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट। वही बात जो मैंने कही थी कि पास्ट में आपने खाना खा लिया, ये हमारे पास पास्ट हो गया। ठीक है, आपने खाना खा लिया तो ये हमारे पास पास्ट में था, और लेकिन अभी आपका पेट भरा हुआ है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट में भी जो है वो हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस जो है वो हमारे पास, इसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कंसीडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसके फॉर्मूले की तरफ कि इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है। फॉर्मूला देखें आप लोग, इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि सब्जेक्ट हमारे पास होता है कोई भी पर्सन जो काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कि ही, शी, इट, दे, ठीक है, इस तरह के जो हमारे पास होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, प्लस हैज़ हैव जो हैं वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, हमारे पास प्रेजेंट सिंपल में और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास इज़, एम, आर, ये थे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास हैज़, हैव जो हैं ये हैं हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है हम लोगों ने, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी, क्योंकि काम जो है वो हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, वो तो चला गया पास्ट में, इसलिए हम लोग जो है वो थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में हमारे पास फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट।
ठीक है, ये था हमारे पास उसका फॉर्मूला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो ये एक छोटा सा आपको मैं बता देती हूँ कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह ये सब क्या होते हैं। सब्जेक्ट मीन्स हु और व्हाट परफॉर्म द एक्शन, वही बात कि जो बंदा काम कर रहा होता है या जो कोई भी काम कर रहा होता है वो हमारे पास सब्जेक्ट में आ जाता है, जैसे कि ही शी इट दे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये सारे जो है वो सब्जेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्ब है। वर्ब क्या होता है, काम कोई भी, यही बताया था मैंने आपको काम। तो ये देख लें ये क्या होता है, अ वर्ड विच इज़ यूज टू इंडिकेट द एक्ट इज कॉल्ड वर्ब, ठीक है। कोई भी एक्शन, ठीक है, कोई भी काम जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्ब। ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा हो, जैसे कि मैं बिरयानी खा रही हूँ तो बिरयानी पे काम हो रहा है तो बिरयानी हमारे पास ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है। मैं टीचर को सुन रही हूँ, ठीक है, तो टीचर पे काम हो रहा है तो टीचर जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। इट गिव्स अस द फुल मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद हैज़ हैव जो थे वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स थे, ठीक है। ये था हमारे पास फार्मूला। फार्मूला जो है वो आपको हो गया है कि फार्मूला जो है वो इसका क्या होता है। अब इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इसकी एग्जांपल में जैसे कि आपको नज़र आ रहा है आई, ठीक है, आई जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है। आई वी दे यू ये सारे हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं। आई हैव, अब आई के साथ हम लोगों ने हैज़ क्यों नहीं लगाया, हैज़ हम लोगों ने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आई वी दे यू, ठीक है, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, आई वी दे यू और प्लूरल फॉर्म जो हमारे पास हो उसमें हम लोग हैव लगाते हैं, हैज़ नहीं लगाएंगे। हैज़ हम लोग ही शी इट या सिंगुलर के साथ हम लोग हैज़ लगाएंगे। यहाँ पे आई हैव, आई वी दे यू, कहीं पर भी हो हम उनके साथ हैव लगाएंगे, हैज़ नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आई के साथ हम लोगों ने इसलिए हैव लगा दिया, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है हम लोगों ने, टेक फर्स्ट फॉर्म होती है, टुक सेकंड फॉर्म होती है, और टेकन जो है वो थर्ड फॉर्म होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाई है टेकन, आई हैव टेकन। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया है हमारे पास जो कि क्या है, डिनर, ठीक है। आई हैव टेकन डिनर यानी कि मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। तो खाना जो है वो हमारे पास, खाने पर काम हो रहा है या मैंने बिरयानी खा लिया तो बिरयानी पे काम हो रहा है तो बिरयानी हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो डिनर कर चुका हूँ मैं तो डिनर पे हमारे पास काम हो रहा है तो डिनर हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो बनाना है आप लोगों ने, ठीक है। आई हैव टेकन डिनर, ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एग्जाम्पल हो गई। तो ये थी हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म में। अगर हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में आ जाए, जैसे कि हम लोगों ने नॉट यूज़ करना हो, ठीक है, अगर हम लोग नेगेटिव फॉर्म में यूज़ करना चाह रहे हो तो वो भी बहुत सिंपल है। हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब के आगे हम लोगों ने नॉट लगा देना, ठीक है। नॉट लगा देंगे तो हमारे पास जो है वो नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है आई हैव टेकन डिनर, तो अगर आप लोगों ने इसको नेगेटिव में बनाना है तो आप हैव के साथ सिंपल नॉट लगा देंगे तो ये नेगेटिव में बन जाएगा, बाकी सारा जो है वो सेम रहेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट टेकन डिनर, तो हैव नॉट जब हम लोग लगा देंगे साथ में तो ये नेगेटिव में हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव फॉर्म में भी मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम लोग इसको इंटरोगेटिव फॉर्म में करना चाहें, जैसे किसी से हम क्वेश्चन कर, ठीक है, कि क्या तुम स्कूल जा चुके हो या क्या तुम खाना खा चुके हो, ठीक है, तो ये क्या वाला जो आ जाता है ना उसमें हम लोगों ने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब जैसे कि हैज़ और हैव, ये दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनको हम लोगों ने शुरू में लिख देना है, ठीक है, सेंटेंस के शुरू में। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, और बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा। होगा क्या, सिर्फ कि हम लोगों ने हैज़ या हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो है उसको हम लोगों ने शुरू में कर देना है, ठीक है, और सब्जेक्ट उसके बाद आएगा, तो ये हमारे पास इंटरोगेटिव फॉर्म में बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से अब मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी कि इसकी एग्जांपल्स जो हैं, ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास ये नेगेटिव में है हमारे पास, पॉजिटिव की मैं आपको एग्जांपल दे दी है, ठीक है। अब मैं आपको नेगेटिव में बताती हूँ कि नेगेटिव में ये हमारे पास किस तरह से आएगा। वी
यानी कि सब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद हैज़ या हैव में से कोई एक मैंने आपको बताया था, आई, वी, दे, यू या कोई भी प्लूरल फॉर्म, उसके साथ हम लोग हैव लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने हैव लगा दिया, और हैव के बाद हम लोगों ने नॉट लगाना था, नॉट लगा दिया, और थर्ड फॉर्म लगानी थी हम लोगों ने उसके बाद वर्ब की, प्लेड, थर्ड फॉर्म लग गई। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना था, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फुटबॉल, वी हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, ठीक है, क्या हम लोगों ने फुटबॉल नहीं खेला, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है। अब ये ही जो है वो इंटरोगेटिव फॉर्म में किस तरह से होगा, मैंने आपको बताया था कि जो है हैज़ या हैव जो कि हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास होते हैं उनको शुरू में लिख लेना है हम लोगों ने, ठीक है। तो हैव हम लोगों ने शुरू पे ले आए, यू जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है वो उसके बाद आ गया हेल्पिंग वर्ब के बाद, हैव यू। तो उसके बाद थर्ड फॉर्म हम लोगों ने लगानी है उसकी वर्ब की, तो फिनिश्ड थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है, हैव यू फिनिश्ड। उसके बाद अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लोग ऑब्जेक्ट लगाना चाहते हैं, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, तो वर्क हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। और अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग, डिपेंड करता है ना सिचुएशन पे कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो आप नहीं भी लगा सकते उसको, ठीक है। उसके बाद है हैव दे डन इट, हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो हम लोगों ने शुरू में लगा दिया, दे जो है वो हमारे पास क्या है, दे हमारे पास सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आ गया। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम लोगों ने लगानी है जो कि है डन, ठीक है, तो डन लगा दी हम लोगों ने, डू डिड डन, डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकेंड है, और थर्ड फॉर्म जो है वो हमारे पास डन है, ठीक है। और इट जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, हैव दे डन इट, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरोगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया कि हम लोग इसको क्वेश्चन में किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है और हम लोग इसको किस तरह से अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, फॉर्मूला क्या है, वगैरह वगैरह। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।